नमस्कार फ्रेंड्स, शोभा की क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ पफ स्लीव्स और अम्ब्रेला कट स्लीव्स की कटिंग। उससे पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। आइए फ्रेंड्स, हम अम्ब्रेला कट स्लीव्स की कटिंग स्टार्ट करते हैं। अम्ब्रेला कट स्लीव्स जो है मुझे 6 इंच की चाहिए, तो उसके लिए मैंने 9x9 का पेपर लिया है। ये पेपर लिया है हमने 9 इंच लंबाई और 9 इंच चौड़ाई का स्क्वायर पेपर लिया। अब इसको हम इस तरीके से डबल कर लेंगे। डबल करने के बाद इस कोने से हम लोग 2.5 इंच ले लेंगे। दोनों कोने सेम है फ्रेंड्स, कहीं से भी आप ले सकते हो। ये 2.5 इंच लेने के बाद बन साइड जो है, बन साइड से हम लोग ये 1/2 इंच ऊपर ले लेंगे। 1/2 इंच ऊपर लेके ये गोलाई हमें इस तरीके से देनी है। उसके बाद हम यहाँ से लेंगे लंबाई चाहिए हमें 6 इंच। स्केल को यहीं रखते जाइए और ये टर्न करते जाना। 6 इंच 6 इंच 6, और यहाँ से हम लोग 6 इंच ले लेंगे। ये गोलाई हमने ये ले ली। उसके बाद फ्रेंड्स, ये जो लाइन है, ये लाइन है मेरे पास अभी जो 6 इंच, इसका आधा ले लेंगे। 3 इंच पे या 1/2 इंच की लाइन देके इसको इस तरीके से गोलाई दे देंगे। मैं एक बार आपको मेजरमेंट लिख के बता देती हूँ। ये 6 इंच लिया है हमने लंबाई, तो हर तरफ से हमारा 6 इंच है। 1/2 इंच की ये लाइन ले ली हमने और ये चौड़ाई है 2.5 इंच। 1/2 इंच इसको हमने ऊपर लिया। इस तरीके से फ्रेंड्स इसकी ड्राफ्टिंग बनेगी। अम्ब्रेला कट जो स्लीव्स की मैंने अभी आपको ये जो ड्राफ्टिंग बताई है, ये है छोटे बच्चों की जो हम फ्रॉक में स्लीव्स बनाते हैं उसकी कटिंग है ये। और अगर हमें बड़े जो बनाने हैं सूट वगैरह में, उसकी कटिंग फ्रेंड्स अलग होती है। वो वीडियो मैं आपको अगली बार बना के ज़रूर दिखाऊंगी। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और ये कटिंग की। ये फ्रेंड्स, ये हमारी अम्ब्रेला कट स्लीव्स रेडी हैं। यहाँ पे जब हम जोड़ते हैं यहाँ, तो यहाँ लेस लगा सकते हैं या पीको करवा देते हैं। और यहाँ पे हम लोग 1 या 2 चुन्नट ऐसे डाल देंगे तो बहुत सुंदर लगती है। आइए फ्रेंड्स, अब हम बनाते हैं इसकी पफ स्लीव्स। पफ स्लीव्स के लिए हम लोगों ने ये 12 इंच लंबा और 12 इंच चौड़ा कपड़ा ले लिया, क्योंकि पफ स्लीव दोनों एक साथ कटती हैं, इसीलिए हमने 12x12 का स्क्वायर ये कपड़ा ले लिया हमने। अब हम इसको डबल करेंगे, इसमें से हमारे 5 इंच की स्लीव्स बनेगी। पहले यूँ डबल कर लिया और उसके बाद इस तरीके से हम लोग इसको डबल करेंगे। डबल करने के बाद हम लोग इसकी लंबाई मुझे चाहिए 5 इंच। ये मैंने ले ली यहाँ से 5 इंच, और यहाँ से हम लोग लेने 6.5, क्योंकि यहाँ आगे की तरफ इसमें चुन्नट बनते हैं। जहाँ पे 6.5 आया वहाँ से हम इस तरीके से 2 इंच स्ट्रेट ले लेंगे। 2 इंच स्ट्रेट लेने के बाद ये हमको इस तरीके से एस शेप में इसको गोलाई देनी है। फ्रेंड्स, अगर हमें चुन्नट ज़्यादा चाहिए तो ये हम लोग ज़्यादा भी ले सकते हैं। ये 6.5 इंच है, ये हमारे पास है, ये 2.5 इंच है यहाँ से। आप इस तरीके से हम इसकी गोलाई दे देंगे। चुन्नट ज़्यादा चाहिए तो हम लोग ये यहाँ से ज़्यादा ले सकते हैं। लंबाई हमारी 5 आएगी, क्योंकि इसमें आगे यहाँ इलास्टिक लगती है या पाइपिंग लगती है या 1.5 इंच की चौड़ी पट्टी लगती है। फ्रेंड्स, ये पफ स्लीव्स हम लोग ब्लाउज में भी बना सकते हैं और सूट में भी बना सकते हैं, बट उसमें लंबाई तो 5 ही रहती है। सिर्फ ये जो 6.5 इंच चौड़ाई ली है वो हम लोग 8 इंच तक ले लेंगे, ताकि हमारे चुन्नट बनने के बाद ये बहुत सुंदर लगती हैं। ये 2 स्लीव्स एक साथ बनती है हमारे पास। इसको यूँ बीच में से आप कट कर सकते हो। कट होने के बाद इसमें दोनों तरफ ये हमारी ऐसे दोनों स्लीव्स रेडी हो जाएंगी। ये ऐसे दोनों स्लीव्स रेडी है हमारी। यहाँ पे भी इसमें चुन्नट आते हैं और नीचे भी चुन्नट आते हैं। चुन्नट लगाने के बाद इसमें आप पाइपिंग भी लगा सकते हो और पट्टी भी लगा सकते हो और प्लास्टिक भी लगा सकते हो। फ्रेंड्स, ये देखिए दोनों स्लीव्स हमारी ये रेडी हैं। ये हमारी अम्ब्रेला कट स्लीव्स और ये हमारी पफ स्लीव्स रेडी है। फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपको 2 टिप्स देना चाहती हूँ। जो हम अम्ब्रेला स्लीव्स बना रहे हैं, ये हमारी सिर्फ फ्रॉक में लगती है। जैसे 5, 6, 7 साल के बच्चे की फ्रॉक में ज़्यादा सुंदर लगती है। अगर हमें सूट में बनानी है तो इसकी कटिंग मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी ज़रूर। और जो पफ स्लीव्स है उसकी, अगर हम लोग सेकेंड जो आपका टिप्स है, जो पफ स्लीव्स हैं वो अगर हमें यही ब्लाउज में लगाना है, तो ब्लाउज में लगाने के लिए सिर्फ 6.5 इंच की जगह इसकी चौड़ाई हम 8 इंच, और भी चुन्नट ज़्यादा चाहिए तो 9 इंच तक हम लोग ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई डिज़ाइन के साथ। धन्यवाद।